नमस्कार दोस्तों, आज से 5 महीने पहले मैंने आपके साथ गुलाब की बड ग्राफ्टिंग की वीडियो शेयर की थी, जिसे आप लोगों ने बहुत पसंद किया था। काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस मुझे मिला था, जबकि उस वीडियो में मैंने कंप्लीट अपडेट भी शेयर नहीं किया था, सिर्फ 23 दिनों का ही अपडेट शेयर किया था। वीडियो इन्फॉर्मेशनल ज़रूर थी, लेकिन उस वीडियो में काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि मैंने जो यह ग्राफ्टिंग की थी, यह पूरी तरह से सक्सेस हुई या नहीं, या वहीं तक ग्रोथ करके पौधा डेड हो गया। इसलिए आज मैं यह वीडियो आपसे दोबारा शेयर कर रहा हूँ, पूरे 6 महीने के अपडेट्स के साथ। और चूंकि अब विंटर सीजन आने को है, इसलिए मैं समझता हूँ कि यह वीडियो आपके काफ़ी काम की हो सकती है, क्योंकि गुलाब का मेन सीजन विंटर का ही होता है। विंटर सीजन में ही गुलाब की अच्छी ग्रोथ होती है, फ्लावर का साइज इंक्रीज होता है और इसकी कटिंग ग्राफ्टिंग सब विंटर में ही की जाती है। गुलाब की ग्राफ्टिंग के लिए जो रूट स्टॉक होता है, जिसके ऊपर ग्राफ्टिंग की जाती है, वो जंगली यानी वाइल्ड रोज का लेना होता है, या देसी गुलाब का भी लिया जा सकता है। गुलाब की ग्राफ्टिंग में मुख्यतः 2 मेथड को यूज में लिया जाता है, पहला आई बडिंग और दूसरा टी बडिंग। दोनों ही मेथड काफ़ी यूज किया जाता है। आज की इस वीडियो में हम लोग टी बडिंग को कवर करेंगे। टी बडिंग में हमें टी के शेप में कट लगाना होता है। कट लगाते समय आपको ध्यान देना है कि कट उतना ही लगाना है जितने में बार्क यानी छिलका कट जाए, इसके वुड वाले पार्ट को डैमेज नहीं करना है। टी कट लगाने के बाद आपको बार्क को लूज कर लेना है, ताकि बट को इसमें इंसर्ट करते बने। ग्राफ्टिंग के लिए जो बट लेना होता है, वो आप अपनी मनपसंद वैरायटी के पौधे से ले सकते हैं, जो भी वैरायटी आपको पसंद हो, जिसकी आप नई पौध तैयार करना चाहते हैं। बड ऐसा होना चाहिए जिसमें हल्का सा उभार हो, उसमें पत्तियां निकलने की स्थिति ना हो, सिर्फ हल्का उभार हो। ऐसे बड लेने से वो जल्दी सक्सेसफुल होती है, क्योंकि उसका ग्रोइंग टाइम आ चुका होता है। बड रूट स्टॉक में अच्छे से फिट हो जाए, ग्राफ्टिंग रिजल्ट हमें जल्दी मिल सके, इसके लिए आप बड के पिछले वाले वुड पार्ट को रिमूव कर लें। ऐसा करने से बड रूट स्टॉक में जिसमें टी कट लगाया हुआ है, उसमें इंसर्ट करने पर यह उसमें अच्छे से चिपक जाएगा और ग्राफ्टिंग हमारी फेल नहीं होगी, इजीली सक्सेस होगी। बड को इंसर्ट करने के बाद बड का एक्स्ट्रा पार्ट जो बाहर रह जाता है, उसे कट करके हटा दें। इसके बाद आपको इसे लचीले प्लास्टिक से अच्छे से एयर टाइट बांध लेना है। बड को आपको कवर नहीं करना है, यानी जहाँ से न्यू ग्रोथ होनी है, सिर्फ उस पार्ट को छोड़कर ऊपर और नीचे आपको बांध देना है। बांधने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप ग्राफ्टिंग टेप ही यूज करें, कोई भी ऐसी पन्नी जो लचीली हो, जिसे खींचा जा सकता है, खींचने पर टूटे नहीं, उससे आप बांध सकते हैं। बांधने के बाद अगर ठंड ज़्यादा हो तो आप प्लास्टिक से ढक सकते हैं, जिससे अंदर ह्यूमिडिटी क्रिएट हो। ह्यूमिडिटी बनी रहेगी तो बड में फुटाव जल्दी आएगा। नॉर्मल टेम्परेचर में आपको प्लास्टिक से कवर नहीं करना है, ऐसे ही छोड़ देना है। ग्राफ्टिंग के बाद आपको इसे ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पर सूर्य की सीधी धूप न पड़े। इसके लिए इसे आप ग्रीन नेट के नीचे या किसी बड़े पौधे के नीचे रख सकते हैं, जहाँ धूप का असर नाम मात्र का रहता है। अगर इसमें वाटरिंग की बात करें, तो इसकी केयर भी ठीक वैसे ही करनी है जैसे हम अन्य प्लांट की करते हैं। मतलब टॉप सॉइल ड्राई होने पर पानी देंगे, टॉप सॉइल की गुड़ाई भी करेंगे, और ग्राफ्टिंग के सक्सेस होने के 1 से 1.5 महीने के बाद से इसकी फीडिंग भी स्टार्ट की जा सकती है। दोस्तों, यह जो अपडेट अभी आप देख रहे हैं, यह 20 दिनों का अपडेट है। अब चूंकि ग्राफ्टेड बड की ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है, इसलिए अब ग्राफ्टिंग के ऊपर वाले पार्ट को कट कर देंगे, जिससे प्लांट की जो एनर्जी है वो पूरी तरह से इस ग्राफ्टेड ब्रांच को मिल सके, इससे इसकी ग्रोथ और भी बूस्ट हो जाएगी। दोस्तों, यह जो थर्ड अपडेट है, यह 31 दिनों का यानी पूरे 1 महीने का अपडेट है। चूँकि ग्राफ्टिंग सक्सेस हो चुकी है, इसलिए अब यहाँ पर मैं इसका ग्राफ्टेड पॉलीथीन भी रिमूव करके आपको दिखाऊंगा। दोस्तों, गुलाब की ग्राफ्टिंग आप अक्टूबर नवंबर में कीजिए, जब ठंड एक्सेस में नहीं होता है। जब ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तब आपको यह ग्राफ्टिंग प्रोसेस नहीं करना है, तब आपकी ग्राफ्टिंग सक्सेस नहीं होगी, फेल होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। इसके अलावा आप स्प्रिंग सीजन में भी गुलाब की ग्राफ्टिंग को ट्राई कर सकते हैं। जनवरी के मिड से लेकर मार्च के मिड तक आप इसकी ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। इस तरह से गुलाब की ग्राफ्टिंग के लिए आपको वर्ष में 4 महीनों तक का समय मिल जाता है। इसके बाद यह जो फोर्थ अपडेट आप देख रहे हैं, यह 58 दिनों का यानी 2 महीने का यह अपडेट है। अब इसमें कितने सुंदर 2 फूल खिले हैं।
अब यह अलग और कंप्लीट ग्राफ्टेड प्लांट बनकर तैयार है। अब यहाँ से इसकी फीडिंग भी स्टार्ट की जा सकती है, जिसमें ऑर्गेनिक में काउडंग मैन्योर या वर्मिंग कंपोस्ट एक मुट्ठी डालकर इसकी शुरुआत कर सकते हैं। स्टार्ट में एक मुट्ठी ही डालेंगे, फिर जैसे जैसे इसकी ग्रोथ और एज बढ़ती जाएगी फीडिंग की डोज भी बढ़ाते जाएंगे। केमिकल फर्टिलाइज़र में NPK का 12:60 स्टार्टिंग में एक चम्मच का चौथा हिस्सा डाल सकते हैं। इसी तरह से बाद में इसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं जैसे जैसे प्लांट की एज और ग्रोथ बढ़ती जाएगी। गोबर की खाद और NPK फर्टिलाइज़र दोनों को एक साथ नहीं डालना है, 15 से 20 दिनों का गैप इसमें ज़रूर रखना है। दोस्तों, ग्राफ्टिंग में 100% सक्सेसफुल रिजल्ट के लिए आप पहले रूट स्टॉक में कट लगाकर बाग को लूज करके खोल लें, उसके बाद ही आप सिलेक्टेड प्लांट में से बड लेकर ग्राफ्ट करें। अगर आप पहले से बड लेकर रखेंगे तो हो सकता है कि बड की नमी कुछ हद तक कम हो जाए, इससे ग्राफ्टिंग फेल भी हो सकती है। ग्राफ्टिंग में जो आप ब्लेड कटर वगैरह लेते हैं वो या तो नया हो या पुराना होने पर उसे आप हाइड्रोजन परऑक्साइड से साफ़ कर लें, या फिर आग में सिकाई करके भी आप उसे इस्तेमाल में ले सकते हैं। दोस्तों, यह वीडियो अगर आपको यूजफुल और पसंद आया हो तो वीडियो को सिर्फ अपने तक ही सीमित ना रखें, इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।